ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक आपने देखा और आज हम जा रहे हैं ये शेयर करने ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग करने के 10 बेनिफिट्स। दोस्तों कहना चाहूँगी, चाहे आप ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग करें या ऑफलाइन, बेनिफिट्स आपको मिलना ही मिलना है। अब क्यों मिलना है बेनिफिट्स? नंबर 1, आप जब फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। लाइक अगर आप स्टिचिंग करती हैं, आप ऑनलाइन स्टोर चला रही हैं, आपका कुछ शॉप है, आप फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए, आपकी स्किल इंक्रीज़ होगी और आप एक बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बनेंगे। पहला बेनिफिट्स। सेकेंड बेनिफिट्स जो होते हैं फैशन डिज़ाइनर बनने के, सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन कैसे? जब आप बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, नए नए शहर घूमते हैं, वर्ल्ड ट्रिप करते हैं, आपका एक अपना मुकाम होता है, आप अर्न करने लगते हैं एज ए डिज़ाइनर, लोग आपको जानने लगते हैं, आपको सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लेवल पर आते हैं, आप डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली अपलोड किया है, डिटेल्स के लिए आप YouTube के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। आप लोगों की नज़र में आते हैं एज ए फैशन डिज़ाइनर। गाइज इट्स, ये फीलिंग बहुत खूबसूरत होती है। मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। AAD Institute of Art and Designs ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 मंथ्स बेसिक, 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स। जी हाँ, सर्टिफिकेटेड कोर्सेज है और गवर्नमेंट से अप्रूवल्ड है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सेकेंड थिंग से जो बेनिफिट है, आपको हार्ड वर्क करने की आदत हो जाती है। जब आप फैशन डिज़ाइनिंग में एंट्री करते हैं, शुरू से आप स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कटिंग करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं। हार्ड वर्क पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको फन एंड क्रिएटिव में मज़ा आने लगता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आई एम वेरी यू नो फील सेटिस्फाइड कि मैं एक अच्छा इलस्ट्रेशन बनाऊँ, मैं एक अच्छा डिज़ाइंस बनाऊँ, वो डिज़ाइंस रैंप पे आए। थर्ड बेनिफिट्स, फोर्थ बेनिफिट्स एंड फिफ्थ बेनिफिट्स, डिसेंट इनकम। जी हाँ, इनकम की बात आती है दोस्तों, और हम सोचने लगते हैं कि फैशन डिज़ाइनर कितना कमाते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआती तो आपको 10,000 20,000 से करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चल गए, आप सेट हो गए, आपका एक ब्रांड बन गया, एक नाम बन गया, तो आप 50,000 से लेके 3 लाख रुपए महीने तक का कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हार्ड वर्किंग, टेक अ टाइम, कोर्स कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और एक इमेज क्रिएट कीजिए। सो ये वीडियो मैं शेयर करने का पर्पस ये है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि फैशन डिज़ाइनर क्यों बने, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आज मैंने धड़ाधड़ गिना दिए। अगेन मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर देती हूँ कि फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, हार्ड वर्किंग, फन एंड क्रिएटिव, डिसेंट इनकम, पैशंस, ट्रैवलिंग एंड वैरायटी इन वर्क प्लेस। जी हाँ, बहुत अलग अलग जगह में काम करने का मौका मिलता है और मज़ा आता है। सो ये रहे कुछ आपके डिटेल्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया होगा तो मेरी तरह आपको भी लोगों की मदद करना पसंद है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।